तो होली के त्यौहार पे आप कुछ मीठा तो जरूर बनाते हैं और गुजिया तो हर घर में अक्सर बनती है, सभी घरों में बनती है। तो इस बार हम एकदम अलग तरीके से और बढ़िया अच्छे से चाशनी वाली मावा गुजिया बनाएंगे। हर बार होता है कि थोड़ा पतला बेलिए पूरी को, थोड़ा पतला, इस बार थोड़ा मोटा बेलेंगे और बढ़िया दुकान से भी अच्छी घर में बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए फटाफट बनाना हम शुरू करते हैं। तो ये मैंने मावा गुजिया बनाने के लिए 250 ग्राम मावा लिया है, इसे मैंने घर में बना के तैयार किया है, आप बाज़ार से भी ला सकते हैं। और ये आधा कटोरी बादाम है, आधा कटोरी काजू, 4 से 5 इलायची है, आप इलायची पाउडर भी ले सकते हैं और थोड़ी सी किशमिश है। तो सबसे पहले चलिए हम फटाफट गुजिया बनाने के लिए मैदा लगा कर तैयार कर लेते हैं। तो मावा गुजिया बनाने के लिए मैंने लगभग 250 ग्राम मैदा लिया है, आप ज़्यादा कम भी ले सकते हैं जिस हिसाब से आप बनाना चाहें। अब ये 4 से 5 चम्मच देसी घी है, घी आप डालें तो गलाकर ही डालें और घी डाल के अच्छे से सबसे पहले इसे मैदे के साथ में खस्ता कर लें। खस्ता करना हमें बहुत ज़रूरी है, आप चाहें तो तेल से भी, रिफाइंड ऑयल से भी खस्ता कर सकते हैं। तो बढ़िया से इसे हम खस्ता कर लेंगे। तो लगभग 4 चम्मच घी लगी है और आप देख सकते हैं बढ़िया से खस्ता हो गया है, इतना ही हमें खस्ता चाहिए, 1 चम्मच घी लगभग बच गई है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और इसका सख्त डो तैयार करेंगे। गुनगुना पानी मैंने लिया है गूंथने के लिए और बहुत ज़्यादा मुलायम इसे नहीं तैयार करना है। तो आटा हमारा गूंथ के बढ़िया परफेक्ट तैयार हो गया है, बहुत ज़्यादा इसे मुलायम नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा सख्त भी ना रहे, बढ़िया मीडियम आटा होना चाहिए तो आपकी गुजिया बढ़िया से बनेगी। तो अब हम इसे ढककर 15-20 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे, तब तक हम इसके अंदर की स्टफिंग तैयार कर लेंगे फटाफट। तो गैस जला के मैंने पैन को रख दिया है, पैन अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम इसमें ड्राई फ्रूट डाल के हल्का सा इसे सेक लेंगे। आप चाहें तो ऐसे ही इसे महीन काट कर डाल सकते हैं। तो काजू बादाम और किशमिश तीनों चीज़ को डाल के थोड़ा 2 से 3 मिनट हल्का इसे सेक लेंगे। आपके पास मखाना है तो वो भी डालकर आप थोड़ा सा सेक लीजिए, तो बढ़िया से क्रिस्पी हो जाएगा और उसकी लाइफ टाइम भी बढ़ जाएगी। तो काजू और बादाम को सेकते हुए लगभग 2 मिनट हो गए हैं, सबसे पहले आप काजू और बादाम डालें और थोड़ी देर इसे रोस्ट कर लें, फिर इसके बाद इसे किशमिश डाल के और बढ़िया से उतार लें, बहुत जल्दी भून के तैयार हो जाता है। तो अब इसे प्लेट में रखेंगे ठंडा होने के लिए। तो वापस से वही पैन रखेंगे और थोड़ा सा इसको गर्म होने देंगे, फिर इसमें मावा डाल के और अच्छे से थोड़ा भून लेंगे, गर्म कर लेंगे। आप बाज़ार से लाएँ तो वो भी हल्का रोस्ट कर लें, ताज़ा हो जाता है रोस्ट करने से, बस बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इसे भून लेना है। तो मावा को हमें हल्का ही सेकना था, आप देख सकते हैं सिक्के तैयार हो गया है। मावा हमारा घर का बना हुआ था तो बहुत ही अच्छा है, आप भी घर पे बनाएं, कोई मिलावट घर पे बनाने से नहीं रहती है, एक नंबर का सामान रहता है, जो भी आप घर में बनाएंगे उसका टेस्ट ही कुछ अलग रहेगा। तो अब हम इसे बड़े बर्तन में रख लेंगे, हमें गुजिया का मसाला तैयार करना है। तो अब इसे बड़े बर्तन में डालकर रख देंगे, थोड़ा ठंडा हो जाए। तो मावा हमारा बढ़िया से ठंडा हो गया है और काजू बादाम भी ठंडा हो गया था, मैंने पीस लिया है, बहुत ज़्यादा इसे बारीक नहीं पीसना है, दरदरा ही रखना है, तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो इसी में डाल देंगे, आपको ज़्यादा लगे तो आप थोड़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, इसी में मैंने 4 से 5 इलायची डालकर भी पीस लिया है। अब इसमें हम शक्कर डालेंगे, 4 से 5 चम्मच शक्कर, आप गर्म मावा में डाल देंगे तो शक्कर पिघलने लगती है, इसलिए जब आपका मावा ठंडा हो जाए तब आप इसमें शक्कर डालें, पीसी हुई शक्कर डालें, आप साबुत वाली ना डालें। तो मावा हमारा ठंडा हो गया था तो मैंने इसमें पीसा हुआ काजू और बादाम अच्छे से डाल दिया है, बहुत ज़्यादा बारीक आपको नहीं पीसना है, हल्का दरदरा ही रखना है और आप काट के भी डाल सकते हैं। और 4 से 5 चम्मच मैंने पीसी हुई चीनी डाल दिया है, आपको इसमें पीसी हुई ही चीनी डालना है। तो अब मैंने सारी चीज़ों को डाल दिया है, अच्छे से इसे मिला लेंगे, मावा के साथ सारी चीज़ें मिक्स हो जाए। तो सारी चीज़ें चम्मच से मैंने बढ़िया से मिला दिया है, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी स्टफिंग तैयार हुई है।
और जब मावा ठंडा हो जाए तभी आप शक्कर डालें, नहीं तो मावा गरम मावा में जब शक्कर पड़ता है तो गलने लगता है। तो इसे अब हम साइड में रखेंगे और फटाफट से चाशनी तैयार कर लेंगे। तो चाशनी आप किसी भी बर्तन में तैयार कर सकते हैं, कढ़ाई हो या पतीला, किसी भी चीज़ में। तो इसमें हम 2 कटोरी शक्कर डाल देंगे। तो 2 कटोरी शक्कर डालने के बाद हम इसमें 2 कटोरी पानी डालेंगे, बस थोड़ा ही कम, 2 कटोरी से पानी, और डाल के इसे गैस पे रखेंगे। अब तो गैस जला के फ्राई दान को मैंने चढ़ा दिया है गैस पे। अब इसे ऐसे चलाते रहेंगे बढ़िया से चीनी घुल जाए। तो चीनी हमारी बढ़िया से आप देख सकते हैं घुल गई है। तो बहुत ज़्यादा इसे पकाना नहीं है, बस इतना ही हमें पकाना है कि चाशनी बढ़िया से चिपचिपी हो जाए। कोई 1 तार या 2 तार की हमें चाशनी नहीं बनाकर तैयार करना है। आप चाहें तो इसमें भी इलायची पाउडर, केसर के धागे भी डाल सकते हैं, तो बहुत अच्छा कलर चाशनी का और स्वाद भी बढ़ जाएगा। तो शक्कर घुलने के बाद 3 से 4 मिनट लगभग हो गए हैं शक्कर को पकाते हुए चाशनी को। तो अब चेक कर लेते हैं, आप चेक करें तो थोड़ा ठंडा हो जाए तभी चेक करें। तो आपको ऐसे चिपचिपा सा थोड़ा लगने लगे, बस आपको फ्लेम को बंद कर देना है। इस तरीके का चिपचिपा होना चाहिए, कोई तार नहीं बनना चाहिए। तो अब हम फ्लेम को बंद करेंगे और ढककर इसे रख देंगे कि जल्दी ठंडी ना हो चाशनी हमारी। तो अब चाशनी भी तैयार हो गई है। आटे के तरफ चलते हैं, चेक कर लेते हैं। तो आटा हमारा बढ़िया से सेट हो चुका है, आप देख सकते हैं। बस थोड़ा सा ऊपर से हाथों में घी लगा के 1-2 बार इसे मसल लेते हैं इसे ही। तो आटा हमारा मसल के बढ़िया से मैदा ये तैयार हो गया है। अब हम इसमें से थोड़ा थोड़ा आटा लेंगे और छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे। आपको पूरी जितनी, जैसे आप पूरी घर में बनाते हैं ना, उतनी बड़ी बड़ी लोइयां बनाना है। हाथों पे गोल करें या चकले पे रख के गोल कर लें इस तरीके से, और लोइयां बनाएं तो आप ढक के रखें, नहीं तो ऊपर से ये सूख जाती है बहुत जल्दी। तो लोई बनके हमारी बढ़िया से तैयार हो गई है। अब हम इसे चकले पे रखेंगे और बेलेंगे। इसमें आटा या घी लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, बढ़िया से बेल के तैयार हो जाती है। तो हमें बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं बेलना है और बहुत ज़्यादा मोटी भी ना रहे, चारों साइड बढ़िया से एक समान हमें पूरी को बेल लेना है। तो पूरी हमारी बढ़िया से बेलकर तैयार हो गई है चारों साइड से अच्छे से। आपको ऐसा नहीं करना है कि बीच में पतली हो जाए और किनारा मोटा रहे। अगर बीच में ज़्यादा पतली हो जाएगी तो तलते समय इसे फटने का डर रहेगा, और बढ़िया से एक साइज की रहेगी तो बिना फटे आपकी गुजिया तलकर बढ़िया से तैयार हो जाएगी। तो इसे अब हम हाथ में लेंगे और इसके अंदर अब डालेंगे मसाला। तो लगभग 2 चम्मच मसाला इसमें जाएगा। आप थोड़ा छोटी बड़ी कर सकते हैं गुजिया को। तो मसाला रख दें और साइड में पानी लगाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अच्छे से इस तरीके से पानी लगा दें किनारे के साइड। अब पानी लगाने के बाद इसे इस तरीके से फोल्ड कर लें, फोल्ड करके और बढ़िया से किनारे को चिपका दें। पहले इस तरीके से बढ़िया से बंद होनी चाहिए गुजिया। तो जब इस तरीके से बढ़िया से बंद हो जाए तब आपको इसमें डिजाइन बढ़िया से बना देना है। जैसे पहले दादी अम्मा लोग बनाती नहीं थी, मशीन नहीं थी गुजिया गोठने की, तब वो हाथों से बढ़िया से बनाती थी। उस तरीके से इस तरीके से ऐसे उठाएं और इस तरीके से दबा दें, फिर उठाएं, फिर दबा दें, फिर उठाएं और फिर दबा दें। बहुत बढ़िया डिजाइन बनकर तैयार होगी और कोई परेशानी भी नहीं आएगी। बहुत सरल डिजाइन है ये, आप मेरे हाथों पे ध्यान दीजिए और बढ़िया से इसी तरीके का डिजाइन बनाइए। तो हमारी गुजिया की डिजाइन आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसी लगी। तो इस तरीके से सारी गुजिया को बना के और एक कपड़े पे आपको रख देना है और ऊपर से ढकते जाना है। अगर ढकी रहेगी तो ये सूखती नहीं है। तो सारा गुजिया आप जब तैयार कर लें तो एक साथ आप गुजिये को फ्राई कर लें। तो कम खर्चे में ढेर सारी गुजिया बनके तैयार हो गई है। तो चलिए फटाफट अब इन्हें हम तल लेते हैं। तो गैस जला के कढ़ाई में तेल डाल के मैंने गैस पे रख दिया था। अब तेल हमारा बढ़िया से गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए तेल, मीडियम ही चाहिए। आप चाहें तो देसी घी में भी तल सकते हैं। तो एक एक करके आराम से गुजिया को डालेंगे, जितना तेल में आ सके उतना हम एक बार में तलेंगे।
गुजिया जब आप कढ़ाई में डालें तो तुरंत इन्हें टच ना करें। जब गुजिया आपकी तैर के ऊपर आने लगे तेल में, तब आपको धीरे धीरे इस साइड से उस साइड पलट देना है और दोनों साइड बढ़िया से लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें तल लेना है। बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और बिना फटे हुए गुजिया बनके आपकी तैयार भी होगी। एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बनाना। तो गुजिया का कलर दोनों साइड बढ़िया से गोल्डन ब्राउन आ गया है, अब इसे हमें निकाल लेना चाहिए। तो इस गुजिया को हम निकाल के प्लेट में रखेंगे और दूसरी इसमें डालेंगे। बस इससे ज़्यादा डार्क कलर हमें नहीं करना है। तो जैसे ही गुजिया आप अपने प्लेट में निकाल के रखें, फिर इसे तुरंत चाशनी में डाल दें। एक एक करके गर्मा गर्म चाशनी में गर्मा गर्म गुजिया डाल दें। चाशनी में डालने के बाद आप चाहें तो 2 मिनट में भी निकाल सकते हैं। 2 मिनट में थोड़ा क्रिस्पी रहती है और आप 4 मिनट के बाद निकालेंगे तो बढ़िया से मुलायम हो जाएगी और चाशनी अंदर तक घुल जाएगी। तो चाशनी वाली मावा गुजिया हमारी बनके फटाफट तैयार हो गई है। एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बनाइएगा। बहुत जल्दी बनकर तैयार भी हो जाती है और बिना फटे हुए आप देख सकते हैं गुजिया बनकर एकदम रेडी हो चुकी है। तो ये गुजिया आपको बाज़ार से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, घर पे बनकर तैयार हो जाएगी, बाज़ार से भी अच्छी। तो आज की रेसिपी हमारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री श्याम।